शहर के साथ ग्रामीण अंचल के थानों में सुनवाई न होने पर फरियादी अधिकारियों से दुखड़ा रोने के लिए पहुंच रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए डीसीपी वेस्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान डीसीपी वेस्ट के साथ एसीपी और थाना प्रभारी ऑनलाइन समस्या सुन कार्यवाही कर रहे हैं। एक माह में करीब 600 मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। थाने चौकियों में सुनवाई न होने पर फरियादी अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अधिकारी एसीपी थाना प्रभारी या विवेचक को कार्रवाई का आदेश करते हैं, फिर भी पीड़ित की समस्या का समाधान नहीं होता है। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार के कार्यालय में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान डीसीपी वेस्ट के साथ संबंधित सर्किल के एसीपी और एसएचओ मौजूद रहते हैं। पीड़ित अपनी समस्या बताता है और कार्यवाही की जाती है। देखिए, इसमें ऑनलाइन व्यवस्था हमने बनाई है। इसमें कॉर्नर पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसमें सारे एप्लीकेशन अपलोड होते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग गूगल मीट पे तत्काल एसएचओ या फिर एसीपी से बात करा देते हैं उनकी, ताकि इनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसका बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स रहा है। लगभग पिछले एक महीने में 500 से 600 इस तरह की एप्लीकेशन मिली हैं और उसका ट्रैकिंग भी किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन बाद हम लोग वादी संवाद दिवस भी रखेंगे, जिनमें इन वादियों को और विवेचकों को बुलाया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि नहीं। तो हम इसमें एक नया आयाम भी जोड़ रहे हैं वादी संवाद दिवस का। वो हम ऑनलाइन भी कर सकेंगे, पर अभी ऑफलाइन से स्टार्ट किया जा रहा है। बाद में उसको भी हम लोग ऑनलाइन करने का प्रयत्न करेंगे। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में एक माह के अंदर करीब 600 मामलों का समाधान कराया गया है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक डीसीपी के साथ सर्किल के एसीपी और एसएचओ ऑनलाइन रहेंगे, जिससे फरियादी से सीधा संवाद होने पर समस्या का समाधान कराया जा सके। ऑनलाइन सुनवाई होने से एसएचओ और विवेचक किसी भी तरह का बहाना नहीं बना पाएगा और लगन से कार्य करेगा। बिल्कुल, मैं यही जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी समस्याएं बताएं हमें। और हम लोग यहाँ पे सुबह से 10 बजे से बैठे रहते हैं। 10 बजे से 2 बजे तक आप कभी भी आएँ, आपकी समस्या का तत्काल गूगल मीट के द्वारा समाधान होगा। और उसके बाद अगर आप आएंगे तो हम ऑफलाइन मोड में जैसे पहले कार्य करते रहते थे, तब भी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। पर 10 बजे से 2 बजे तक हम आपकी डायरेक्ट एसएचओ और एसीपी से बात करा देंगे। कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार के कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस तरह फरियादियों की ऑनलाइन सुनवाई कर समस्या का समाधान कराया जा रहा है। गुरुवार को सयां क्षेत्र के रामेश्वर ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया था। डीसीपी वेस्ट ने एसीपी को अपने कार्यालय में बुलाया और पीड़ित की बात सुनी। इस तरह डीसीपी वेस्ट समस्या का समाधान करा रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।